अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। तो अभी जी उठ चुके हैं और आज जुम्मे का दिन है। सब आप लोगों को जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। तो जी कपड़े प्रेस हो गए हैं, इन्होंने मुझे सुबह सुबह उठा दिया था। वैसे डेली उठाते हैं कि उठो कपड़े इस्त्री करके दो। तो अभी नाश्ता भी बन गया है और कपड़े भी इस्त्री हो गए हैं। तो अभी नहाने में ये लेट कर रही हैं, फिर बोलेंगे बीवी की बुराई करेंगे कि नाश्ता नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो बीवी की बुराई करने में तो सबसे ज़्यादा घर वाले तेज़ होते हैं। गुंजा हो गया तू? दादा ने किया है गुंजा? दादा करवा के आया है? अच्छा, तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जी सब बैठे हुए थे और बच्चे भी फिर थोड़ी देर सो गए थे, फिर उठ गए। तो यहाँ पे जी इनको मोबाइल दे दिया तो ये सुकून से बैठे हुए हैं। इनका दादा भी गुस्से में टीवी देख रहा है। तो अभी आ गए हैं हम किचन में, आलू मैंने चढ़ा दिए हैं। अभी आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। काफ़ी दिनों से दिल कर रहे थे, मैंने कहा आज बना लेते हैं क्योंकि आलू थे नहीं, तो आज ले कर आए हैं तो आज बनाते हैं। और बाकी के आलू फिर रखते हैं। तो अभी आलूओं के लिए हरी मिर्चें भी नहीं थी, दही भी नहीं है, तो चटनी बनानी है तो हरी मिर्चें डालेंगे। तो अब्बू को भेजा है, अभी जा रहे हैं इनको लेके। तो जी बस मसाले की कटिंग वगैरह कर ली है, प्याज, हरी मिर्चें और ज़ीरा डाला था, नमक डाला था मैंने, और लीमू और आलू बॉयल हो चुके हैं तो उसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया था ताकि ये ठंडे हो जाएं, फिर इनको मैं छील लूँ। और कुटी लाल मिर्चें भी थोड़ी सी मैं डालूंगी, और हरा धनिया भी डाल दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, थोड़ी सी सूखी धनिया डाली थी, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है और वाकई बहुत मज़े के बने थे। और हरी धनिया थी नहीं तो फिर मैंने वो हरी धनिया थी डाल दी थी, पुदीना नहीं था तो मैंने फिर सूखा हुआ डाल दिया। तो बस अभी छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं, छोटी छोटी सी रोटियां पतली पतली, तभी हम बनाते हैं पराठा। और अभी मेरी नंद भी आ गई है तो उसने देख के कहा आलू के पराठे, मैंने कहा हाँ। तो वाकई बहुत मज़े के थे, मुँह में पानी आ रहा है। तो मेरे तो बनाते बनाते दिल भर गया था और बाकी सब ने मज़े से खाया। फिर मैंने काफ़ी देर बाद जा कर रोटी बना के फिर खाई, और आप भी बनाइएगा ज़रूर के कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद जी खा पी के नमाज़ पढ़ के सो गए थे, तो ये एक बजने वाला था तो यहाँ मेरे बेटे को फिर से भूख लग गई। तो यहाँ पड़ोसियों के घर से चिकन कौरमा आया हुआ था, तो जी फिर ना इसने, शुक्र है वैसे चिकन खाता नहीं है, लेकिन आज पता नहीं ये उसको भूख लग रही थी तो इसने कहा मम्मा ताता दो। तो ये भी ये रोटी खा रहा है। एक बजे रात के अब इसके अब्बू नहीं आए तो उसके लिए भी मैंने एक पराठा बना के रखा था, तो खोल करके पूछ लिया था, उसने कहा था एक खाऊंगा, तो उसके लिए भी मैंने बना के रख दिया था। अभी तो जैसे वो आएगा फिर उसको भी दूंगी। सुबह हो गई है, उठ चुके हैं, नाश्ता भी बन गया है। और आज सुबह सुबह उठी हूँ तो पता नहीं मेरी इस आँख के इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, पानी भी आ रहा है। कसम से रोटी रख के बैठी हूँ, नाश्ता पड़ा है, नखरे ही नहीं ख़त्म होते आदमियों के, नखरे ही ख़त्म ही होते, नहीं बना के दो ना फिर पता चलता है इनको, फिर वही बुराई होती है, नाश्ता नहीं दिया, सो रही है, ये वो। अभी बना के रख के बैठी हूँ, ठंडी हो रही है रोटी। इसके लड़के के आ जाओ, आ जाओ, आए ताता खा ले, भाई के बच्चे उठते ही सुबह सुबह मोबाइल हमने कहा था आलू के पराठे खाएंगे, मसाला बचा हुआ था वो मेरी नंद बना के ऑफिस ले गई पराठा। बहन का नाम ले रही है तू? हाँ ले रही हूँ, तेरी बहन का नाम क्या कर लेगा। अच्छा तो नहीं, 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 नहीं जी, ये पड़ोसियों के घर से आया था कोरमा, ये भी थोड़ा सा बचा हुआ है चिकन का, तो इससे करते हैं आराम से। अब करोगे यार, ठंडी हो जाएगी, मुंह में पानी आ रहा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यार इसको तो साइड पे कर दो।